सॉरी अगर आप इमरान हाशमी हैं तो तनुश्री दत्ता कौन है? मेरी तनुश्री मेरे बिल्कुल जस्ट बाजू में बैठी हुई है जी। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये बहुत स्माइल करी, हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं साथ में, और ये फिल्म मैं जैसे कि ऑलवेज लव यू है तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा कि ऑलवेज लव यू। क्या कह रहे हैं इस मूवी को? आपका नाम? जी मेरा नाम श्रुति नेगी है एंड आई हैव डन टू फिल्म्स बिफोर, और ये मेरी इनके साथ दूसरी मूवी है और ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और ये मूवी जैसे कि इन्होंने बताया कि एक लव ट्राइंगल पे है और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है और आई होप कि यंगस्टर्स को ये पसंद आएगी। रियल जिंदगी में आपका लव कितना अच्छा है? मतलब रियल जिंदगी में तो लव बिल्कुल है ही नहीं, मतलब जो मेरा प्यार है मेरी फैमिली है। आप जैसा यहाँ पे पोस्टर में है ताजमहल, और ताजमहल की तरह प्यार इस फिल्म में है, आपको देखने को मिलेगा। ओके, आपका आने वाले कोई और प्रोजेक्ट है? जी आने वाले प्रोजेक्ट्स तो हैं, यू विल गेट टू नो। ये फिल्म हमें जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है राहुल दत्ता, उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने बोला था कि एक फिल्म हम लोग ऐसे बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी फिल्म है और बेहतरीन फिल्म है, और इसका कैरेक्टर जैसे कि स्टोरी हमें बताई गई थी, कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, खेलने को बहुत है इस फिल्म में कि कैरेक्टर को हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। नेगेटिव है जैसा कि मेरा, तो उस नेगेटिव के अंदर भी एक पॉजिटिव है, ग्रे शेड है, और जैसे कि फिल्म का नाम है ऑलवेज लव यू, और ताजमहल का जैसे आप पोस्टर में देख रहे हैं तो ये प्यार भरी कहानी है जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि इसमें प्यार होता कैसे और प्यार करते क्या और प्यार किससे कहते हैं। सच्ची में प्यार मिलता है क्या इस? सच्ची में जरूर मिलता है प्यार, अगर आप शिद्दत से चाहो तो प्यार आपको जरूर मिलता है। आपने बोला इमरान हाशमी है तो कहते हैं ये फिल्म बोल्ड है, आप सुनाना चाहेंगे? जी जैसे इसमें किसके से कितनी अच्छी मोहब्बत करते हो? भाई आपको सच्ची बताऊं तो मुझे जो लोग मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स में और जितने भी लोग मुझे जानते हैं सब यही बोलते हैं कि इसे हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, और सच में मुझे प्यार हो जाता है क्योंकि किसी के अंदर इतनी सी भी अच्छाई दिखती है तो मुझे उससे प्यार हो जाता है। अच्छा आजकल क्या चलता है, लव मतलब लव और धोखा सामने देखा, तो लव और धोखा में मुझे ये बताइए इसमें धोखा मिलेगा लव मिलेगा? इसमें लव भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा यार, जहाँ लव होता है वहाँ धोखा तो बहुत जरूरी है, और जब तक दिल नहीं टूटता कोई आशिक नहीं बनता भाई। मतलब यहाँ पे तो आशिक बनना ही है, यहाँ आशिक बन के आया हूँ मैं आज। चलिए आपको थैंक यू आपकी फिल्म के लिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप सभी आए, आप सभी की वजह से हम लोग शायद अभी यहाँ पर बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं, और सभी जितने मीडिया वाले मैं सबको स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा जो आप लोगों ने हमें सार बनाया। आपके प्रोड्यूसर कितना चंचल है, कितने जी हाँ मैं बस उसी मुद्दे पे आने वाला था कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है बहुत रंगीन किस्म के आदमी है, मतलब जो सच्ची बताए तो मोहब्बत इनसे ही शुरू हो रही है हमारी, जब पहली बार इनसे मिले तो देख के लगा कि हाँ ये फिल्म का लव जो है उन्हीं के ऊपर कुछ ना कुछ है। आपने रंगीला बता दिया, इन्हें बिग बॉस ने एक बाबा भी बहुत बड़े रंगीले। नहीं एक्चुअली जो बिग बॉस वाले बाबा हैं हम उनके बारे में कुछ कमेंट्स ही नहीं दे सकते क्योंकि महान है, उनको महान बोल सकते हैं क्योंकि हमारा जो इंडिया है ये बाबाओं का, बाबा ही जीते हैं। उसका रिकॉर्ड गुम हो चुका है। थैंक यू All the best. Thank you. Always. Basically, ये जो मेरा भाई है तो ये मेरा भाई है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लेके आया मेरे पास जो कल्याण जी ये फिल्म बनाना है, तो मैंने बोला ठीक है हम लोग सब साथ मिलके बनाएंगे, और ये बहुत अच्छे इंसान है, सबसे पहला बहुत अच्छे मेहनती इंसान है, और ये इतनी अच्छी मेहनत ही है, रात के 3 बजे मुझे फ़ोन करता है, दादा कल है भाई याद है ना, तो इतनी अच्छी मेहनती और इंडस्ट्री में मेहनती आदमी आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इनको सैल्यूट करता हूँ, और सबसे पहले ऑल मीडिया, जिस मीडिया के वजह से कल्याण जी गरीब आदमी कल्याण जी बना, तो सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ ऑल मीडिया को, और नमस्ते ऑल मीडिया को, क्योंकि आप ही लोग हो इसलिए हम जैसे गरीब आदमी हैं, तो सबसे पहले मीडिया को मेरे प्यार भरा नमस्कार और सलाम। हाँ राहुल दादा आइए, मेरा भाई राहुल दादा मेरा कास्टिंग डायरेक्टर, प्लीज आइए प्लीज कम। ओके ओके ना मेरे को। हाँ अरे आगे दी का सो। हाँ जी इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म बहुत खूबसूरत फिल्म है और ऑलवेज लव यू, तो सभी
अगर बिल्कुल ये राहुल सर और ये हमारे ये दोनों दोनों प्रोड्यूसर है, अगर दोनों चाहेंगे तो मैं आएंगे सर। नहीं कल्याण जी ऑब्वियसली हमारे कल्याण जी हमारे फिल्म में हैं और एज एक्टर भी हैं और एज ए फ्रेंड भी है। और ये मूवी जो है हमारी मेरा कज़न है, ये मेरा भाई है, तो ये मूवी हमारी शूट होने वाली है नेक्स्ट मंथ सेकेंड वीक से, और ये शूट होगी टोटली आगरा में। और एक जो लव सॉन्ग हम लोग शूट करेंगे वो नेपाल में। तो ऐसी है तो सारे जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है हमारे कल्याण जी को जाता है, बिकॉज कल्याण जी हमारे टच में आज से नहीं है, बहुत टाइम से है, और जो भी है कल्याण जी के थ्रू ही होगा और कल्याण जी के जरिए हो रहा है। तो बहुत थैंक यू कल्याण जी को और मीडिया को, आप लोग आए हुए हैं और पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। आपकी फिल्म जो मुंबई सिटी मुंबई नगरी ये कब तक दर्शकों को? ड्रीम सिटी मुंबई बहुत अच्छी कहानी है और ये फिल्म मार्च महीने में आ रहा है सर, क्योंकि ये फिल्म के अभी आप ही लोगों ने फिर धमाका दर बनाया और मैं खाली इतने बोलता है भाई ड्रीम सिटी मुंबई आ रहा है भाई, देख रहे मत भूलना जो मीडिया भाई इशाला मीडिया लोग है भाई के भाई हूँ भाई अपनी फिल्म वाले भाई क्या बोलते हो भाई, मार्च महीना में आ रहा है ड्रीम सिटी मुंबई, देखना तो बोलना। और ये फिल्म अपना जा रहा है अपने भाई की फिल्म है, आना भाई जरूर। सुना आपने बिग बॉस के जो बाबा है उनके ऊपर फिल्म बना रहे हैं और एनके मूवी को उसमें एज ए किरदार ले रहे हैं। अरे बिग बॉस की बाबा तो बाबा है, वो बाबा नहीं खावा है और खावा बोल के सब जगह पे खा के घूम रहा है वो फ्री में, उसके ऊपर तो कुछ बना रहे हैं। अरे उसके लिए तो हम एक ही खाली बोलेंगे, बाबा तुम किधर मत जाना, अपने घर पे सिंहासन बैठ जाना और सबके लिए खाते रहना काबा 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 सर 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 सरोज मैम और मैं जज किया हूँ एक फिल्म, बहुत सारे शो में किया मैं, बहुत सारे एज ए कोरियोग्राफर मैंने बॉम्बे के कम से कम 175 स्कूल एंड कॉलेज में मैंने कोरियोग्राफी किया और काफ़ी हिंदी मराठी बंगाली फिल्म एज ए मैंने कोरियोग्राफी किया। और उसके बाद बहुत सारी फिल्म अभी आ रहा है मेरे जो एज ए कोरियोग्राफर, लेकिन अभी मैं आप लोग के सामने एक्टिंग भी मैं करता हूँ आप लोग जानते हो, तो इस फिल्म के अंदर कोरियोग्राफी भी मैं कर रहा हूँ, बाकी दोनों भाई अगर मुझे देंगे एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग भी करेंगे और आप लोग के दिल को जीतेंगे भाई। क्या बोलता है छोटे भाई, मैं आप लोग बड़े और मैं छोटा भाई। आखिरी सवाल कल्याण जी, क्या 11वें सीजन में बिग बॉस में आपको देखने? इंशाल्लाह आमीन भाई, आपकी मुंह में घी शक्कर। सबसे पहले जो मीडिया है ना, ये मीडिया नहीं है, ये मेरा भाई है, ये मेरे दिल के करीब है, अगर ये लोग ना हो ना तो मैं तो कुछ नहीं, मैं तो गांव भाग जाऊँ। तो थैंक यू मीडिया, बिग बॉस तो अभी आएंगे, अभी ख़त्म होने तो एक बिग बॉस, शायद आप लोग की दुआ से मैं आ जाऊँ उस बिग बॉस के अंदर। और दूसरी बात है थैंक यू मेरे पिता माता गुरु, थैंक यू मेरे ऑडियंस, थैंक यू माई मीडिया, थैंक यू माई फ्रेंड्स, थैंक यू शायद सैयद अल्ताफ, थैंक यू माई मेरा भाई और मेरा भाई और फिल्म को। इस मूवी की कास्टिंग जो है फर्स्ट टू लास्ट मेरा ही है, बट क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे हमारे फ्रेंड्स सर्कल में ही हैं, हीरो हीरोइन से लेकर के कैरेक्टर जितने भी है। और स्पेशली मैं इसलिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सबको, कैमरामैन से लेकर के मेरी पूरी टीम को, क्योंकि अगर सब ने मिलकर कॉपरेट नहीं किए होते या तो कॉपरेट नहीं करेंगे तो हमारी मूवी शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस चीज़ को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए हम मीडिया को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज अगर मीडिया नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है, मीडिया है तो हम लोग हैं, तो इसलिए थैंक यू मीडिया। कोलकाता से आई हुई है, ये भी हमारी प्रोजेक्ट में रहेंगे। बिल्कुल। और क्या किरदार आपका इसमें, शॉर्टकट में बात करें एक लाइन में, कम से कम शब्दों में? नहीं एक्चुअली हम लोग ने इनको अभी आज ही हम लोग ने इनको बुलाया, तो इसलिए इनको अभी तक हम लोग ने पूरा कास्ट नहीं किया हम लोग ने, बट हमारी प्रोजेक्ट में ये रहेंगी, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं कौन सा कैरेक्टर में हम लोग दे सकते हैं। कुछ शुभकामनाएं, इतना लंबा से आया है कोलकाता से, कुछ बोलिए मैडम आप, आप इतनी दूर से आए हैं, नाम बताइए सबसे पहले। एक्चुअली कलकत्ता से हूँ मैं, कलकत्ता, मेरा नाम रंजना है, रंजना सिंह, यहाँ आई हूँ मुंबई, मतलब मुंबई सब लोग आते हैं, मुंबई माया नगरी है, सब लोग आते हैं अपना ड्रीम पूरा करने, तो सो मैं भी आई हूँ और दादा से मिली है और यहाँ पे जुड़ने का मुझे मौका मिला। लेट्स सी क्या होते हैं। इससे पहले आपने कुछ किया है? जी मैंने उधर रीजनल मूवी किया है, मैं उधर से हूँ तो वहीं से मैं फिल्म स्टार्ट आएगा। ओके ओके, वन टू वन, ओके वन टू, तेरे हाँ ऐसा पिकअप है। ओके
आंखों आंखों में मुझसे कुछ कहती है, तेरे आने से धड़कन बढ़ जाती है। बोले भाई कौन लेते हैं कौन? हाँ ये स्टाइल से लग रहा है। हाँ अच्छा है। 1 2 3 हाँ शबाब भाई जी, तेरे आने से मेरे क्या मेरे एक मस्ती सी चढ़ जाती है। करेक्ट करेक्ट है ना। हाँ इधर देखता हूँ मैं इधर। 1 2 3 मुझसे कुछ कहती है, तेरे आने से धड़कन बढ़ जाती है, दिल में एक मस्ती सी चढ़।